वरिष्ठ पत्रकार दीपक बोहरा ने हिमाचल प्रदेश जाकर 2019 में होने वाले चुनाव के बारे में लोगों का नजरिया जाना। अम्बाला शहर दीपक बोहरा स्थित बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से लोकपुर माता बाला सुंदरी मंदिर में लोहड़ी के अवसर पर भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए भक्तों ने महामारी के दर्शन किए। मौके पर पहुंचे टुडे 24 टीवी न्यूज चैनल हरियाणा राज्य के हेड व वरिष्ठ पत्रकार दीपक बोहरा व पंजाब और हरियाणा की आन बान शान सीके डांस एकेडमी अम्बाला शहर जड़ली के सुपरस्टार डांसर हर्ष रंधावा ने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके दौरान न्यूज चैनल की टीम ने वहां पर पहुंचकर लोगों से 2019 में होने वाले चुनाव के बारे में लोगों का नजरिया जाना। अम्बाला शहर से आज हम पहुंचे हैं बाला सुंदरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। आज हमारे बीच में कुछ मुख्य खास लोग यहाँ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ खास चर्चा करेंगे। हाँ जी, कहाँ से हो भाई जी आप? आपका नाम? कल्पना गुप्ता जी। आज हमारे बीच में यमुनानगर से यहाँ पहुँचे हुए हैं महामाई के दर्शन करने के लिए। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि इस बारी 2019 में किसकी सरकार आनी चाहिए और आपके यहाँ किसकी सरकार है यमुनानगर में। आप कहेंगे जरा ये कहते रही हमारी सरकार तो मोदी सरकार है, लेकिन अब 2019 में जो चुनाव होंगे दोबारा, तो उसमें कांग्रेस आनी चाहिए या मोदी सरकार आनी चाहिए, आप किसकी तरफ सपोर्ट करें? मोदी की तरफ सपोर्ट करना चाहेंगे ये। अब और उसे पूछते हैं उनके क्या सवाल। ये भी यमुना भाई साहब भी यमुनानगर से हैं। अब इस बार आप कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे 2019? बीजेपी को ही देखना चाहेंगे, कांग्रेस को? बीजेपी ने काफ़ी कामकाज करवाए हैं, इस करके ये भाई साहब बीजेपी को ही दोबारा 2019 में देखना चाहेंगे। आज हमारे बीच में प्रवीण वर्मा जी कैथल से यहाँ बाला सुंदरी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आपको कैसा लगा प्रवीण जी? कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? अच्छा, 32 वर्ष की आयु उनकी आयु होगी और ये 32 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ आने का क्या निश्चित है आपका? अच्छा, कुल की देवी है इसलिए महामाई को पूजते आ रहे हैं और महामाई ने आपको मौके पर और आपके साथ कौन कौन आए? ठीक है, बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा, आपसे एक हम खास सवाल करेंगे, कैप्टन में तो बीजेपी सरकार ही है हरियाणा में, तो है ना, तो किस प्रकार चल रही है हरियाणा में? अच्छा, आप 2019 में किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी को ही देखना चाहेंगे 2019 में। प्रवीण जी का बहुत बहुत। आज हमारे बीच में मनीष मित्र जी उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, आप बताएंगे उत्तराखंड में किसकी सरकार है? अच्छा, वहाँ भी भाजपा की सरकार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वहाँ भाजपा ने किस प्रकार से काम किया? काफी हद तक ठीक है, मतलब बीजेपी सरकार ने काफी कुछ वहाँ पे बदलाव किए हैं, इसलिए आप बताइए जरा 2019 चल पड़ा है, अब कुछ एक दो महीने बाद इलेक्शन दोबारा शुरू है, तो उसमें आप किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए। आप बीजेपी से सहमत हो क्या? से काफी ज्यादा बदलाव हुआ है, इसलिए सड़कों के प्रति, मतलब कहीं सड़कें कहीं छोटी छोटी थी, सड़कें बिजली स्वच्छ भारत का जो अभियान इस बीजेपी सरकार ने जो चला रखा है उस पर ये बहुत खुश है, और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चला रखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप किसे चाहेंगे माता जी, किसकी सरकार आप आनी चाहिए? बीजेपी आए और आप बीजेपी, आप बीजेपी भाई, सभी यहाँ बीजेपी के जयजयकार कर रहे हैं। लगता है इस बार फिर मोदी जी दोबारा दमखम के साथ आने वाले हैं और यहाँ बाला सुंदरी मंदिर में ये पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड से। अच्छा, मोदी जी के मुकाबले में कोई है नहीं,
लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी के मुकाबले क्यों नहीं आए? मोदी नंबर एक आदमी है भाई। अच्छा, उन्हीं की स्पीच से आप बहुत खुश हो गए हो, ठीक है। आपको कैसा लगता है मोदी जी के विचार? ये कह रहे मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे उस पर काफी अमल भी किए हैं और सभी काम करवाए भी हैं, इसलिए 2019 में दोबारा ये मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। अंत में बॉलीवुड सुपरस्टार डांसर हर्ष सिंह रंधावा ने कहा कि मोदी सरकार काम से जानी जाती है, नाम से नहीं।